झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। मैं लोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी के मां भगवती पैलेस में हूं। आज यहां पर इंदिरापुरी आरडब्ल्यूए की मीटिंग हुई है, सालाना मीटिंग हुई है, जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा पेश किया गया। उसी सबको लेकर यहां रेजिडेंट रहे, हम उनसे बात करने के लिए आए हैं और एसोसिएशन के सभी लोग हमारे साथ हैं। मैं शुरुआत करता हूं एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री के अत्री जी, क्योंकि उन्होंने ही लेखा जोखा पेश किया है, तो उनसे हम बातचीत करते हैं कैसा उनका ही रहा और क्या क्या उन्होंने बताया और क्या आगे वो करने जा रहे हैं। सर जी, सर जो आज आपने ये एसोसिएशन की मीटिंग हुई है जी, ये क्या इसमें सब कुछ हुआ, थोड़ा बताइए। एक्चुअली हमारी आज वार्षिक मीटिंग थी जिसमें हम अपने मेंबर्स को पूरे एक साल की रिपोर्ट देते हैं कि पिछले एक साल में क्या गतिविधियां रही, क्या प्रोग्रेस रही। मेन मकसद या मेन केंद्र हमारे जिस पर ध्यान केंद्रित रहता है वो सीवरेज, सफाई, ट्रांसपोर्ट, बिजली, मेट्रो सर्विस, कम्युनिकेशन और रोड सर्विस वगैरह है। और एक्चुअली पिछले 1970 मैं इस कार्य को करता आ रहा हूं, 41 साल हो गए। वर्तमान आरडब्ल्यूए का जो प्लेटफॉर्म है, इस आरडब्ल्यूए को 2012 में रजिस्टर कराया गया था, इसकी पांचवी मीटिंग है। अच्छा, रजिस्टर 2012 में कहा है, लेकिन 75 से काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि जब मेट्रो आ गई, लेकिन हमारी एसोसिएशन मेट्रो के बारे में 2004 से लिख रही है, बहुत पहले से। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए सरकार से पत्र व्यवहार बहुत आवश्यक होता है, हम समझते हैं कि उसी से बीज पड़ता है। जैसे आप बात कर रहे थे डीटीसी की, बसेस सर्विस बंद हो गई, डीटीसी यहां पर जो आती थी हमारे लोनी क्षेत्र में, दो नंबर मशहूर हो गया था इंदिरापुरी का डी ब्लॉक, ये एक ओरिजिनली जवाहरनगर के लिए सेंक्शन हुई थी शुरू में 1975 में। तो जब हमें पता लगा कि जवाहरनगर के लिए मंजूर हुई है, जवाहरनगर के जो कॉलोनाइजर थे चौधरी बलवीर सिंह, उनके इंटरेस्ट में हो रही थी, लेकिन हम लोग वहां गए और डीटीसी बोर्ड के जो मेंबर थे उसमें सरदार इंदरजीत सिंह, उनको रिक्वेस्ट करके इसको कि लोनी और इंदिरापुरी के लोग इसको सेवा को ले पाए, थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए। पर वो यूपी लोनी पूरा तो नहीं जा सकते थे, पर डी ब्लॉक तक उन्होंने इसको कर दिया। अब वो बंद हो गई है दिक्कत, जुलाई 1975 से वहां चल रही थी, अब सडनली 1 अक्टूबर को इसको बंद कर दिया गया बिना किसी नोटिस के। क्या जैसे प्रदेश सरकार है, क्या दोबारा शुरू हो पाएगा? अब हमें पूरी उम्मीद है चल पाएगी, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। जो 40 साल से सर्विस चल रही थी तो अब आने में क्या दिक्कत है। सीवरेज में आप कुछ कह रहे थे कि सीवरेज के बारे में, सीवरेज के बारे में कह रहे थे कि सीवरेज को नए तरीके से कनेक्ट किया जाएगा जो बंद पड़ा। सीवर ऐसा है कि 220 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए मंजूर हुआ लोनी के लिए, तो 135 करोड़ का फेज वन में सीवर पड़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो आइडल पड़े हैं, उनको चालू नहीं किया गया। अब अमृत योजना में उसके लिए पैसा मिला है, क्योंकि कनेक्ट चालू करने के लिए कई प्रॉब्लम है, जैसे एसटीपी प्लांट है वहां पर वो डीजल चाहिए, बत्ती नहीं होती, तो ये सारी दिक्कतें हैं। पंप चाहिए, पंपिंग के लिए जगह जगह, उस समय बताते हैं लोकल प्रॉब्लम, उसका हल निकालने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा आ गया है उनके पास सफिशियंट, और वो 31 मार्च उनका टारगेट था, उससे पहले इसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा सर, ये तो हुई मूलभूत सुविधाओं के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने एक लास्ट में एक प्रपोजल रखा कि जो हमारे बच्चे 10th में 12th के अंदर टॉप किए हैं अच्छे, या और जो किसी फील्ड में गए हैं उनको भी एसोसिएशन सम्मानित करे। आरडब्ल्यूए की ये सोच है कि जो बच्चे हमारे क्षेत्र के पढ़ाई में या खेल में किसी में भी आगे बढ़ते हैं उनको बुला के प्रोत्साहित करें, और जो हमारे कर्मचारी भी हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जो हमारे डेली काम करते हैं, बिजली वाले हों चाहे नगर पालिका, उनका भी हम सम्मान करें, तो वो हमारी सोच है, वो आगे हम। तो इन सब पे हम अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे। करण सिंह पवार जी हमारे साथ। ये तो आप क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग? आज की मीटिंग बड़ी सफल रही, आप और हमारी जो नीतियां हैं उनको आप करेंगे, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। ये आप पहला ऐसा अवसर है जिस टाइप से हमारी एसोसिएशन प्रोग्रेस कर रही है, और लेकिन उसका कोई प्रसार नहीं था। आप आए और हमारा हमें बुलाया, इसके लिए भी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम बड़े एसोसिएट्स हैं, बहुत अच्छे रत्री साहब हैं मेरे साथ,
तो अध्यक्ष जी भी हैं, उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, वाई एस राणा। बस हम तो इसी प्रयास में हैं कि आगे बढ़ाया जाए इस चीज को और काम को। क्या आप ऐसी आरडब्ल्यूए और जगह पे भी सब लोगों को एक्टिव करना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। एक और उपाध्यक्ष जी हैं मिस्टर रतवीर चावला। हाँ जी, मैं चाहता हूं कि जैसे केंद्र से जो है डीटीसी को पैसे मिलते हैं तो यहां भेजने में क्या दिक्कत है, जब नोएडा में भेज सकते हैं तो यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी केंद्र में काम करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो ये तो किसी मतलब मोटिवेटेड उसमें जो है जबरदस्ती बंद करवाई है, जल्दी से जल्दी चालू होनी चाहिए। और जो रुकी हुई योजनाएं हैं उसके लिए तत्काल जो है फंडिंग मिल करके और वो पूरी करना चाहिए। ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुंदरियाल याद रहता है बहुत अच्छा। और आप क्या पूछ रहे हैं? मेट्रो आने में लोनी में क्या बदलाव होगा मेट्रो शुरू होने के बाद? मेट्रो के आने से तो बच्चों को जो है नहीं, मेट्रो सिटी तो बनेगी, उसके अलावा जो हम चाहते हैं कि आगे जो है मंडोला आवास विकास तक जाए, आगे तक जाए और क्रॉनिकल सिटी का भी विकास हो, यहाँ के बच्चों को यहीं रोजगार मिले है? ये हमारी सोच है। एसोसिएशन के ट्रेजरर भी हमारे साथ। डॉक्टर एसपीसी, पहले तो मैं आपके धाकड़ खबर न्यूज चैनल को और आपको धन्यवाद करूंगा कि आप जो हमारे प्रयास हैं आरडब्ल्यू इंदिरापुरी के जो प्रयास हैं आप जनता को दिखाएंगे, इससे बहुत सारे लोगों में जागरूकता आएगी। बाकी पसंद क्या और कोई कुछ कहना चाहता है, किसी को भी कुछ भी कहना, ऐसा ना हो कि हम पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि उन्होंने बीड़ा उठाया और जो काम कर रहे हैं कॉलोनी के लिए और इस क्षेत्र के लिए वो सराहनीय है और उसका बहुत बहुत लोगों को भी कोई एक एजेंसी प्रयास कर रही है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। हाँ जी, डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप कुछ बात? डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सोच हमारी बहुत पुरानी है, 2010 से भी पहले की है। मैं सिंह थे सबको लिख चुके हैं क्योंकि एक सवाल, जब गाजियाबाद गढ़ तक थी उधर हापुड़ में लखवा टोनी के साथ हमेशा सोचा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसका रीजन ये है कि हम यहाँ से प्रतिनिधि थे, उनका सहयोग वो जो मास्टर प्लान है के लिए हमने वो दिया। जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर मीटिंग हुई जीडीए में, उसको मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं और उस समय के हमारे उपाध्यक्ष स्वर्गीय संतराम जी थे, हम दोनों मीटिंग अटेंड करके आए और यहाँ की सारी डिमांड रखी, मेट्रो की रखी, फ्लाईओवर की रखी, त्रियाए की, सब जगह की, वो भी नहीं कर रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए आप देखते हैं कि नई सरकार आई है, आपने भोपरा रोड पे चले होंगे, डिवाइडर बनाते हैं, कोयल इनक्लेव पे डिवाइडर खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया, लोनी के साथ सौतेला व्यवहार रहा ही है लोनी के साथ। लेकिन जैसे अभी आप पूछ रहे थे मेट्रो के बारे में, मेट्रो आने से क्या आएगा, हमें उम्मीद है कि मेट्रो आने से चेंजेस होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल बनने से चेंजेस होंगी। मान रहे हैं कि पिछले 15-20 साल में या मैं कहूँ 21वीं सदी जो है वो लोनी में एक बदलाव की तरफ जा रही है। पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना करते कैसा हो। चलिए, तो देखा आपने सभी लोग आशान्वित हैं और नई सरकार बनी है उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। नई सरकार जो बनी है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, जोनी के साथ हमेशा ऐसा होता था पहले कि विधायक किसी पार्टी का है, सांसद गाजियाबाद में किसी और पार्टी का हो गया, चेयरमैन किसी और पार्टी का हो गया और प्रदेश में सरकार किसी और पार्टी की हो गई और सेंटर में किसी और की हो गई। पहली बार मुझे लगता है ऐसा हो रहा है कि प्रदेश से लेकर सेंटर तक सब कुछ एक ही है। प्रदेश केवल प्रदेश और सेंटर ही नहीं, इवन नगर पालिका भी सेम पार्टी के पास है। तो अभी हमें पूरी उम्मीद है कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और हमारे काम योगी जी सीएम बन गए हैं। हाँ, तो आप लोगों को तो अगला समय बताएगा कितना रिजल्ट आता है, पर हम आशान्वित हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इकराम खान के साथ मैं अकरम रईस खान धाकड़ खबर के लिए।